सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। तो आज आपका रिवीजन क्लास है और ये वर्ग 3 के लिए है। पाठ 11 थमली नहीं, इससे पहले हम पाठ 9 10 का रिवीजन करा चुके हैं। तो आपकी परीक्षा होने वाली, इसलिए आपका पाठ का रिवीजन चल रहा है। तो इस पाठ में है क्या, थम्बलीना। तो थम्बलीना थी एक लड़की थी जो बहुत ही छोटी थी, उसकी जो लंबाई थी वो थम्ब के बराबर थी, इसलिए उसका नाम पड़ा थम्बलीना। तो उसका जो पालन पोषण था, एक औरत महिला ने की महिला की थी। और क्या हुआ था कि महिला घर पर नहीं थी, तो थम्बलीना को पिछवाड़े में के मेढकी मेढक जो सब रहता था वही उसको उठा करके ले गई। और वहां से वो भटकते भटकते भटकती रही। तो इस कहानी में हम लोग पढ़े थे थम्बलीना के बारे में। और वो उसको कई जगह जाना पड़ा, वो फूलों की घाटी में गई। उसके बाद उसका जो विवाह है वो राजकुमार के साथ हुआ। तो इस पानी कहानी को हम लोग पढ़े भी थे और समझे थे। तो इसका प्रश्नोत्तर भी मैं आपको लिखाई थी। फिर से मैं आपकी प्रश्नों का आपको बता दे रही हूँ। ये आपका शब्दार्थ है, दयालु जिसके मन में दया हो। बार बार ये प्रश्नों को उत्तर जो भी कराए, क्यों कि आपको याद हो जाए और आपको इसको याद भी करेंगे। दयालु जिसके मन में दया हो, पालन पोषण जो पालन पोषण करता है उसको खिला पिला कर बड़ा करने वाला। तो आपका पालन पोषण कौन करते, आपके माता पिता करते हैं। पिछवाड़ा पीछे का हिस्सा, सबके घर के पीछे रहता है उसको हम कहते हैं पिछवाड़ा, पीछे के घर का हिस्सा। घाटी दो पहाड़ों के बीच की संकरी जगह, यानी कि जो पतली जगह होती है उसको हम कहते हैं घाटी, पहाड़ों के बीच की जगह। अब आपका यहां से ये है आपका मौखिक प्रश्न, मौखिक यहां से आपका प्रश्न, तो ये आपका मौखिक प्रश्न है। थम्बलीना कौन थी, तो थम्बलीना कौन थी, थम्बलीना एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी। आगे है थम्बलीना को कौन उठा करके ले गया, तो थम्बलीना को कौन उठा करके ले गया था, थम्बलीना को मेढ़ी उठा करके ले गई थी। मेढकी थम्बलीना को क्या बनाना चाहती थी, मेढकी जो थी वो थम्बलीना को क्या बनाना चाहती थी, उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी उसके बेटे से हो जाए और वो दलदल की रानी बन जाए। अगला प्रश्न मेढकी, चौथा में यहाँ पर आपका ये तीसरा प्रश्न हो गया या चौथा प्रश्न है आपका, थम्बलीना की शादी किसके साथ हुई। तो थम्बलीना की शादी जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे पाठ में, थम्बलीना की शादी राजकुमार के साथ हुई। आगे आपका प्रश्न है, ये हो गया आपका लिखित में, थम्बलीना का नाम कैसे पड़ा। तो थम्बलीना की जो लंबाई थी वो थम्ब के बराबर थी, इसलिए उसका नाम थम्बलीना पड़ा। थम्बलीना बहते बहते कहाँ पहुंच गई, तो थम्बलीना बहते बहते घाटी में पहुंच गई, फूलों की घाटी में पहुंच गई। थम्बलीना को सुंदर घाटी में ही क्यों रुकना पड़ा, तो थम्बलीना को पंख नहीं थे इसलिए उसे सर्दी भी सुंदर घाटी में ही रुकना पड़ा। थम्बलीना से चूहिया क्या करवाती थी, आप पढ़े थे कि थम्बलीना जो थी वो चूहिया के घर में थी, उसके पंख नहीं थे, वो उड़ नहीं सकती थी, तो वो खाती क्या, सब चीज फूल पत्ते सब खत्म हो गए। तो थम्बलीना चूहिया के घर गई थी और जो चूहिया थी वो दिन भर उससे क्या करवाती थी, काम करवाती थी। तो ये थम्बलीना से चूहिया दिन भर काम करवाती थी। अबाबिल थम्बलीना को कहाँ ले गई, तो अबाबिल जो थी वो थम्बलीना को सुंदर घाटी में ले गई। आगे है यहां से छ में है आपका, यहां तक आपका 5 प्रश्न है, यहाँ 6 है लिखित का। सही शब्द चुन करके खाली स्थानों को भरना है। पिछवाड़े के दलदल में डैश रहते थे, क्या रहते थे, मेढक रहते थे। मेरे बेटे के साथ तुम्हारी डैश होगी, क्या होगी, शादी होगी। एक पेड़ पर कुछ चिड़िया डैश यानी कि चिड़िया बैठी थी। थम्बलीना को अबाबिल पर डैश आ गई, क्या आ गई, दया आ गई। आप अबाबिल के बारे में देखे थे कि अबाबिल जो था उस ठंड के मारे चुहिया के भंडार गृह में था, तो थम्बलीना को उस पर दया होगी। और थम्बलीना जो थी अबाबिल की सेवा की, उसका देखभाल की, उसको खाना खिलाती थी, तो उसको दया आ गई थी। तो फिर अबाबिल भी थम्बलीना की मदद की, अबाबिल को भी डैश निकला है, थम्बलीना को भी डैश निकला है, क्या निकला है,
पंख। सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाओ। थंबलीना कहाँ रहती थी? कमल के फूल में, दलदल में, पेड़ पर, कमल के फूल में। जब पेड़ पर फल न रहे तो थंबलीना क्या खाने लगी? पत्तियां, फूल, कीड़े मकोड़े, पत्तियां। थंबलीना सामान निकालने कहाँ गई? भंडार घर में, दयालु स्त्री घर में, महल में, भंडार घर में। थंबलीना राजकुमार से शादी करके कहाँ रहने लगी? तो सुंदर घाटी में। अब आपको संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाना है। जैसे प्यासे प्यार है, तो फिर इसे बनाइए, क्या बनेगा? प्यासा। उसके बाद है अस्त, रास्ता, सस्ता, नाश्ता बनेगा। मह, तुम्हारी, तुम्हारा। जो संयुक्त व्यंजन वाले उससे क्या बनाना है? नए नए शब्द बनाना है। आपको पाठ पढ़ाते समय बताए भी थे, समान तुक वाले शब्द चुन करके लिखो। इसमें आपको समान तुक वाले शब्द चुनना है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको चुन करके इन सारी जगहों पे क्या करना है आपको? फील करना है यहाँ से चुन करके यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आपका नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल करके लिखे। यहाँ पर लिंग बदलना है, लड़की, मेढकी, चिड़िया, चूहिया, स्त्री, बेटा, राजकुमार, राजा। तो लड़की का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा? लड़का। चिड़िया का चीरा, चूहिया का चूहा, स्त्री का पुरुष, बेटा का बेटी, राजकुमार का राजकुमारी, राजा का रानी। ये आपका हो गया। यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाओ। विराम चिन्ह आप व्याकरण में पढ़े थे, तो इसमें आपको व्याकरण से सोच करके विराम चिन्ह लगा करके इन वाक्यों को दोबारा से आपको लिखना है। तो ये आपका हिंदी की पाठ हो गया। अब आप हिंदी ग्रामर में से मैं आपको एक पाठ करा देती हूँ। इसमें आपका पर्यायवाची हो गया। अब आ गया विलोम शब्द। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। बताने वाले शब्द को हम कहते हैं विलोम शब्द। जैसे आकाश, पताल, ऊंचा, नीचा, गोरा, काला, मोटा, पतला, छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? विलोम शब्द है। देखिए आप किताब में ये विलोम है, मोटा, पतला, अंधेरा, उजाला, अमीर, गरीब। और इसका परिभाषा है एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम कहते हैं विलोम शब्द। इसका है परी भाषा। इसको क्या करेंगे आप? याद करेंगे। एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते। हो गया आपका। एक दूसरे के उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। शब्दों को विलोम शब्द कहते थे आपका। जैसे मोटा, पतला, गोरा, काला, रात, दिन, छोटा, बड़ा, बहुत सारे शब्द हैं। पूरा, पश्चिम, शुभ, अशुभ, स्वस्थ, अस्वस्थ, ऊंचा, नीचा, हल्का, भारी,
तो ये सब आपका इसको क्या करना है, इसको आपको याद कर लेना है। फिर इसमें आपका यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, गुब्बारे में दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ लिखिए। अच्छा बुरा, वीर कायर, महंगा सस्ता, प्राचीन नया। रिक्त स्थानों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सत्य की सदैव विजय होती, असत्य की नहीं। तुम मेरे मित्र हो, शत्रु नहीं। पिताजी के प्रश्नों के उत्तर दो। जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। तिकोना में से उल्टे अर्थ शब्द छांट कर आमने सामने लिखिए। और यहाँ से ये जो बना हुआ है, इसमें आपको शब्द को छांट करके आमने सामने, जैसे कि अंदर का क्या होगा बाहर, देसी का विदेशी, बड़ा का छोटा, विदेशी का देसी, नया का पुराना, भलाई का बुराई, धरती का आकाश, ये सब इसमें दिया गया, सब मिक्स दिया गया। आपको इसको छांट करके क्या करना है, यहाँ पर विलोम शब्दों को लिखना है। इस तरह से आपका जो है रिविजन क्लास। फिर मैं आपसे अगले ऑनलाइन क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।